काफी दिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी रहा, जिसके कारण टेम्परेचर जो थे वो सामान्य या सामान्य से कम ही रहे। और अब हमें अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो हम कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बस हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी वेस्टर्न हिमालय रीजन या कुछ हिस्सों में पंजाब हरियाणा में आइसोलेटेड प्लेसेस में हो सकता है। और अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रेजुअली राइजिंग टेंडेंसी देखा जाएगा और एज सच टेम्परेचर 42 डिग्री पहुंच सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव का आने वाले 5 दिनों में कोई सिनेरियो नहीं है। और अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, इस समय जो हीट वेव प्रवेल कर रही है ईस्ट इंडिया में प्रवेल कर रही है और ज्वाइनिंग नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ईस्ट उत्तर प्रदेश में है, और हमारा ये अनुमान है कि ईस्ट इंडिया में हीट वेव आने वाले 3-4 दिनों में कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद वेदर एक्टिविटी के कारण उसमें रिडक्शन हो जाएगा। इस समय हमारा जो बिहार के लिए है, हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रखा है, और झारखंड वेस्ट बंगाल इसके लिए हमने हीट वेव का वार्निंग दे रखा है नेक्स्ट 4 डेज के लिए। कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए हमने नेक्स्ट 2 डेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश हम नेक्स्ट 3-4 दिन हीट वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी के कारण वहां पे रिडक्शन हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, इस समय एक आपका वेव बंगाल में साइसस है, उसके इन्फ्लुएंस में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 5 दिनों में कंटिन्यू रहेगी। उसके साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पे हैवी स्पेल मीन 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सच कोई सिग्निफिकेंट वेदर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और ना ही कोई टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस हो सकती है। अगर हम अब साउथ पेनिनसुला की बात करें, अब कंटिन्यूस केरला में 2 दिनों से हैवी रेनफॉल हो रही है, आज भी हैवी रेनफॉल हुई है और जो डिस्ट्रीब्यूशन था फेयरली वाइड स्प्रेड तक रहा, फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रहा है, और उसके बाद वेस्टर्ली स्ट्रेंथ भी उसकी मिडल ट्रोपोस्फेरिक लेवल इवन अप टू 5.8 किलोमीटर तक थी, जिसके कारण आज केरला में हमने जैसे कल अनाउंस किया था ऑनसेट ओवर केरला हमने किया है। और इसके कारण आगे अभी हम उम्मीद करें केरला में आने वाले 2-4 दिनों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली कारण होनी चाहिए। और इसके अलावा आगे हमारा अनुमान है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है, आने वाले 48 आवर्स में रेनफॉल जो एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी कुछ हिस्सा कवर कर सकते हैं। टेम्परेचर की जैसे मैंने पहले ही बताया कि अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले 3-4 दिनों में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हीट वेव सिनेरियो कोई आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ पर इस बार ऐसा हुआ है कि पिछले 36 साल का ऐसा रिकॉर्ड टूटा एक दिन कि काफी कोल्ड दिन था, तो इस बार कैसा? देखिए अभी क्या था कि जैसे कंटिन्यूस इफ यू सी मार्च के बाद लगातार थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है, मई का फर्स्ट और सेकंड वीक को छोड़ के कुछ दिन, उसके बाद कंटिन्यू थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रही है और कंटिन्यू थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण ही टेम्परेचर थोड़े कम हुए हैं। लेकिन ऐसा सच अब हम फ्यूचर में जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आने वाले 6-7 दिनों में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कोई थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो, इसलिए टेम्परेचर उसमें थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। इट मे रीच अप टू 41 डिग्री और 42 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट 5 डेज से। सर अगर हम मानसून की बात करें तो क्या देख रहे हैं? मानसून का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे हमने कल स्टेटमेंट किया था, विद इन 48 आवर्स केरला में मानसून ऑनसेट हो सकता है और ये सारी कंडीशंस आज फुलफिल हो रही हैं, वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ है, वेस्टर्ली का स्ट्रेंथ बढ़ा है मिडल ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक, इसके अलावा ओआरआर का कंडीशंस होता है वो भी सेटिस्फाई हुआ है, उसके कारण हमने आज केरला के लिए ऑनसेट किया है। थोड़ा अरबियन सी का हिस्सा आज ऑनसेट हुआ है, केरला का हुआ है, सो तमिलनाडु का हुआ है, इसके अलावा थोड़ा बे ऑफ बंगाल का किया है। आने वाले 48 आवर्स में हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी एक आने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि केरला का कुछ हिस्सा पूरा कवर हो सकता है, सिमिलरली तमिलनाडु का कुछ हिस्सा और हो सकता है,